क्या है? अरे क्या हो रहा है? क्यों मार रहे हो भाई? अरे ये लोग कौन है? बचाओ! क्या कर रहे हो आप लोग? अरे क्यों मार रहे हो? अरे भागो! गुड आफ्टरनून एसीपी भवानी। मैडम दिस इज एडवर्ड। यहाँ कैंपस में गुंडों ने तोड़फोड़ मचा रखी है, मारपीट चल रही है, पुलिस की मदद चाहिए। सॉरी सर, कैंपस के इश्यूज कैंपस में ही निपटा लीजिए। सरकार ने पुलिस को कैंपस में आने से मना कर दिया है। रियल फाइटर्स पे हाथ रखा है तूने, सोचना भी नहीं कि तू यहां से बाहर निकल पाएगा। बच्चों से उलझने की कोशिश मत कर, अगर किया तो बहुत महंगा पड़ेगा। ए देख क्या रहे हो, मारो इसे।
इस कैंपस में हम सब एक साथ हैं। यहाँ सिर्फ एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स ग्रुप। मारना है तो सामने आओ, मारो इनको। एडवर्ड, एडवर्ड लिविंगस्टन। आपसे कहा था ना मैंने, कैंपस की समस्याएं कैंपस में ही निपटाइए। कैंपस के अंदर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है मैडम, पर जो लोग प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए आए थे उनमें से कईयों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों के हालात काफी गंभीर हैं, कुछ लोगों के हाथ पांव टूटे हैं और कुछ लोग काफी सीरियस हैं। हो सके तो एम्बुलेंस को यहाँ पर भेज दीजिएगा प्लीज, पर एक कंडीशन, पुलिस और एम्बुलेंस सिर्फ कैंपस के गेट के बाहर होगी। ये ऐसे वैसे प्रोफेसर नहीं है, फाइटर प्रोफेसर है। साहब धक्का क्यों दे रहे हैं, चल क्यों लाए मुझे यहाँ पे, चल। आखिर मैंने किया क्या है? तुम बड़े अजीब से दिख रहे हो, तुम्हारी एक मूंछ ऐसी क्यों है? ये तो आईब्रो पेंसिल है। मेरे पिताजी के याद में मेरी माँ के गहने में मैंने रखा था। एक दूंगा ना तो रोना बंद हो जाएगा। सर, सर, सर इसका नाम रेजी है, इसी ने बॉडी को पहले देखा था, कॉलेज कैंटीन में काम करता है। कैंटीन कॉलेज कैंपस में ही है ना? जी। तो फिर तो हॉस्टल के पीछे क्यों गया था? पता? उस टूटे फूटे जगह के कंपाउंड वॉल में एक एंट्री है सर, मैं हर वक्त उस रास्ते से आता जाता हूँ सर। इसी ने बॉडी को सबसे पहले पहचाना था, अनजाने में पहचाना था सर, इसके बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। डर गया क्या? ठीक है, अच्छा ही तो किया तूने। कुछ खाया क्या? नहीं सर। इसके लिए कुछ खाने के लिए लाओ। मैं बिरयानी खाऊंगा सर। तो फिर मुझे पराठे और चिकन फ्राई। तुम कौन हो? इपिन मैथ्यू का बेटा केसी। सुबह सुबह पी रखी है सर, कहता है कि इसने बॉडी को फेंकते हुए एक आदमी को देखा है। बता तुमने क्या देखा है? पास के सिनेमा घर में सेकंड शो। सर आपने उस पिक्चर में चोर का रोल किया था ना? कैसा था? बेकार, एकदम बेकार। सर आपके और एक्टिंग के बीच में बहुत दूरी है। तुझे तो फिल्म के बाद क्या देखा पता? बताता हूँ सर, मुझे मत मारो। तूने उस आदमी को ठीक से देखा? नहीं, पर वो अमिताभ बच्चन के जितना लंबा था। अच्छा लंबा था। मैं जाऊं क्या सर? चुप। सर, बीच रोड में खड़ी वेदिका की गाड़ी से ये पर्स मिला था। इसमें मिले मोबाइल फोन के कॉल हिस्ट्री को देखा तो लास्ट फ्यू के कॉल्स उदय कृष्ण के नंबर पे किए गए थे। सर वो बालन मास्टर का बेटा है, दो दिन पहले ही वेदिका उसके घर गई थी, मैंने उसे रास्ता दिखाया था। सर कल रात को पुलिस ने इसी उदय कृष्ण को ड्रंकन ड्राइविंग के लिए कस्टडी में लिया था। उसे कितने बजे छोड़ा? आपके कहने पर केस फाइल नहीं किया, मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद उसे छोड़ दिया था। उसकी बाइक यहीं है, उसे कहा था लेकर जाने को लेकिन वो आया नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़के का मर्डर सुबह 4 और 5 बजे के बीच हुआ है, ब्रूटल रेप भी हुआ है, मौत सर पे किए गए वार से हुई थी। उदय कृष्ण को सुबह 3 बजे के बाद छोड़ दिया था। तो फिर कातिल ने बॉडी को सुबह 5 बजे के बाद ही फेंका होगा।
सुबह 5 बजे तो किस थिएटर में फिल्म देखा था? बता। मुझे मत मारो सर। इनके स्टेटमेंट्स लेकर इन्हें छोड़ दो। सर। उन्नी कृष्ण की सारी डिटेल्स लेकर आओ। सर। और आगे के समाचारों में वेदिका मर्डर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में सिनेमा अभिनेता कैप्टन राजू ने कई प्रश्न उठाए हैं। खबरें विस्तार में। स्टूडेंट्स इन हालातों को लेकर एसआई रामचंद्रन को भेजो। अब तक पता नहीं चल पाया है कि वेदिका मर्डर केस के पीछे किसका हाथ है। अब तक इस केस की क्या है ये सब? जारी है। पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार किया है। इतनी जल्दी टीवी में कर रहे हैं? मैंने पूछताछ की थी सर, लेकिन वो खूनी नहीं है। वो इस वक्त शूटिंग के लिए लंदन गए हुए हैं। हाइट के हिसाब से बाकी बचा सोनू सिन्हा, वो दुबई गया हुआ है। आदित्य सर चेन्नई में है। फिर ये कैप्टन राजू, वो इस एरिया में ही है गुनेगारों के लिए। स्टॉप इट सर। तुम और तुम्हारा सिनेमा। वर्मा को बोलो सर। इडियट। वर्मा सर। अरेस्ट उदय कृष्ण। यस सर। मैं इस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम? वेदिका मर्डर केस में उदय कृष्णा को इमीडिएटली अरेस्ट करना है। मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूं सर। सर उदय किशन रुको, पकड़ो से, आगे मत जाने दो, रोको उन्हें। रुक जाओ उदय कृष्ण। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वेदिका को नहीं मारा सर। कुछ मत करो, बात करके सुलझा सकते हैं। रुक जाओ। आगे मत आना सर। मैंने वेदिका को नहीं मारा सर। अगर आप आ गए तो मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा। मैं यहां से खुद के जान दे दूंगा। आगे मत आना। सर, मैं उदय कृष्ण का पिता हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है सर। वो कुछ नहीं कर सकता है साहब। आपको कैसे पता? चलो यहाँ से। नमस्ते सीनियर इंस्पेक्टर। हाँ आइए सर, आइए सर, आइए सर, बैठिए। मुलजिम कहाँ है? मुझे जानना है कि उसने मेरी बेटी को क्यों मारा। सर प्लीज, एसीपी सस्पेक्ट से पूछताछ कर रहे हैं। सर, उदय कृष्ण मेरा बेटा है, वो ये सब नहीं कर सकता। हम उसे देखना चाहते हैं सर। Hey!
अबे कैसा बाप है तू? क्या सिखाया अपने बेटे को? छोड़ूंगा नहीं उसे, मार दूंगा मैं। मेरा बेटा निर्दोष है, वो ये सब कभी नहीं कर सकता। शिवानंदन सर, ये मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम है। इन्हें क्यों मार रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। बालन चेयर सर, मेरा बेटा। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि उदय कृष्ण निर्दोष है। हम एक अच्छे वकील को ढूंढना होगा। हाँ चलो सब लोग, वकील से मिलकर बेल अरेंज मैं कर दूंगा। सर के कहने पर हम चले जाते हैं, पर उदय कृष्णा के निकलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ओके सर। रामचंद्र सर, एसीपी को कमिश्नर ने बुलाया है, उन्हें मिलना है। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, उन्हें बता देना। जी सर। अभी तक उसे लाया क्यों नहीं? सर, सर शिवानंद सर, मुलजिम ने जुर्म कबूल नहीं किया है, डिटेल्स मैं बाद में देता हूँ। मुलजिम को खाना लाकर देना। जी सर। वेदिका का मर्डर हुआ है, उसके पिता रूलिंग पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। ऑफिसर तुम तो उन्हें जानते ही होंगे शिवानंद, ऊपर से मुझ पर बहुत प्रेशर है। ऑफिसर, एक्यूज ने कन्फेस किया? नहीं सर, पर सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आई नहीं, शायद थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो। ओह माय गॉड, ये सब कुछ गलत हो रहा है। आप चुप हो जाइए, यहाँ शोर मचा के कुछ भी नहीं होगा। अगर वापस नहीं गए तो पुलिस को जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उदय कृष्णा की आत्महत्या का कारण पुलिस नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा, मेरा बेटा मर गया। मेरी बात कृपा करके मानिए, यहाँ से चले जाइए। आप खुद उसे मार के ड्रामा कर रहे हैं, मारो इसे। Come on!
कृष्ण की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है। इस मुद्दे को लेकर विद्यार्थी संघों ने कल हड़ताल घोषित की है। रॉयल वॉरियर्स के दीपेन ने कल इसे बुरी तरह पीटा। मुझमें उसे मारने की हिम्मत नहीं थी, पर कोई बात नहीं, हमारे पास तो रियल फाइटर्स है ना, कई भाई लोग। तो क्या प्रॉब्लम है? कर्ज लौटाना है, वरना सर उठा के जी नहीं सकते। खैर, ये बात अपने ही स्टूडेंट्स की है, पर मारपीट तो रॉयल वॉरियर्स के दीपेन और रियल फाइटर्स के जीतू के बीच है। हिसाब बराबर करने वो आ रहे हैं। अगर तू उनके हाथों हार गया ना रोशन, तो तू रॉयल वॉरियर्स का कैप्टन रहने के लायक नहीं रहेगा, बता देता हूँ। ये चाणक्य नीति किस लिए बॉस? मुझे मजा आता है। चेरियन, चेरी होगा तेरा बाप। वो मैंने था जिसने आपको चेरियन बोला। प्यून शंकर दास के बाप को कोई गाली दे रहा था। जी मिस नहीं किया, वेरी गुड। ए हट, चल पीछे चल। वेट वेट वेट, ये क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक मारपीट का औजार नहीं है। रियल फाइटर्स पे हाथ रखा, रॉयल वॉरियर्स का राम नाम सत्य। आप जाइए सर, एम्बुलेंस चाहिए तो बता देंगे। चल। उनका मतलब एम्बुलेंस आपके बेटे रोशन के लिए है। बेटा रोशन, बाप की बात नहीं मानता, वो लेके ही रहेगा। वो कभी कुछ लेता नहीं, सिर्फ देता है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अरे हट ना भाई। जिसने तुझे मारा था उसे मार गया। सर फूटा नहीं? अब शुरू हुआ। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। ये पढ़ने आते हैं, मारपीट करने आते हैं? तुम्हारा भाई तो नहीं है ना, लड़े तो उन्हें। चलो हटो। अरे प्रिंसिपल आ रहे हैं। रुक जा। मैं कहता हूँ रुक जा। क्या हो रहा है यहाँ पर? अपना क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सर, प्रॉब्लम ही तो सुलझा रहे थे मारपीट करके। आइए हम लोग बैठकर देखते हैं, मजा आएगा। चुप रहो, ना समझ? लड़ाई मजा दोनों खत्म। तू ठीक कह रहा है। चलो अपने अपने क्लास में जाओ, जल्दी। सुना तमाशा नहीं लगा रखा है? सब लौट चलो, चलो जाओ जल्दी। चलो पढ़ना नहीं चाहिए था इनको। Thank you.
स्मिता मैडम, मैं अभी आया। शंकरन कुट्टी जी, इस फूल को अपने कान पर लगाइए और ये किताबें पकड़िए। लड़के लोग कहाँ गए? सर, सनी लियोनी के क्लास में गए हैं सर। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा के बारे में। अपनी किताब का पेज नंबर 60 खोलिए। ड्रामा को अमेरिका में पहले अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। सभ्य समाज के लोग नाटक थिएटर करना बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। हालांकि 19वीं शताब्दी तक ये पॉलिटिकल प्रेजुडिस पूरी तरह खत्म हो गया था। क्या हुआ सर? स्टूडेंट्स को बोल के कुछ फायदा नहीं है। हाउसफुल है, आप लोगों को मेरी क्लास नहीं चाहिए? क्यों, जुबान नहीं है? जवाब दो मुझे, मेरी क्लास नहीं चाहिए? नहीं सर, हमें इस पर निर्णय करना चाहिए। इनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उठो, गो टू रिस्पेक्टिव क्लासेस। उठो, चलो चलो, जाना पड़ेगा। चल यार, चलते हैं। चलो कम, लेट्स गो यार। चल यार, क्या आपको नहीं पता कि सारे स्टूडेंट्स यहीं आ गए? स्टूडेंट्स को मेरे क्लास बहुत पसंद है। पसंद है, यहाँ पे क्यों खड़े हो? अपनी क्लास में जाओ। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ऐसे कैसे? गो टू योर क्लास, जाओ। जरा देखो तो इसे। ये नोटिस देखा ना, इस लड़की का नाम है कंगना वेदिका। आज कंगना वेदिका का डांस शो वो जहाँ पढ़ती है मदर्स कॉलेज में वही होने वाला है। एक्चुअली मेरी मम्मी ने डांस सिखाया था। रियली? कंचना वासु तुम्हारी माँ है? हाँ। तू इधर आ, जल्दी से आकर मेरे गले मिल, मुझे तुझसे प्यार हो गया पगले। कॉलेज के जमाने में इस कंचना वासु ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मेरी भी। क्या नींद? अबे जा, जाकर पराठे बना। बगा दो मुझे। मेरे गोकुल बेटे, अगर तुमने इस डांस स्कूल का चार्ज ले लिया होता तो हमारे ग्रुप के साथ उनके ग्रुप वालों की मारपीट नहीं होती। सब कुछ बर्बाद कर दिया और कहता है मम्मी डांस सिखाती थी। देख, मैं कल्चरल असिस्टेंट अब नहीं हूँ, पहले वो लड़की मेरे हाथ में थी। सही बात, ये लड़की गोकुल की ही है, इसलिए हम रियल फाइटर्स एक साथ गोकुल के साथ हैं। वेदिका के लायक इस पूरे कैंपस में सिर्फ एक ही लड़का है, वो है रोशन चेरियन। सच कह रहा हूँ। हाँ, प्रोग्राम के दिन तू मदर्स कॉलेज जा, डांस देख, दिल खोल के उसकी तारीफ कर। अरे वो लेडीज कॉलेज है, लड़कों को अंदर नहीं जाने देंगे। अबे जा बे, मदर्स कॉलेज में कभी लड़के गए नहीं है क्या? मदर्स कॉलेज में लड़के गए तो वहाँ की सारी लड़कियाँ मदर्स बन जाएंगी। अच्छा तो मैं क्या करूँ? आइडिया मैं बताता हूँ, वहाँ के स्टेज का डेकोरेशन मेरा एक दोस्त कर रहा है, उसी के बहाने मैं तुम्हारी एंट्री करवा दूंगा। सच में? मान गए तुझे। आपकी खुशी में ही तो मेरी भी खुशी है ना। क्लेरा, अब आप ये सब कैसे ठीक करेंगी? सच? हाँ। तुम्हारे प्रोग्राम के लिए तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि शिक्षा मंत्री सीता लक्ष्मी को चीफ गेस्ट के तौर पे लाएंगे, फिर ये कंफ्यूजन कैसे हो गया? जिला प्रेसिडेंट को इतना पावर कहाँ है? देखो, मेरे डैड के बारे में कुछ मत कहना। बस बस, बैनर लगा के अनाउंस भी कर दिया, अगर मिनिस्टर नहीं आई तो? मदर, मिनिस्टर से मिले हम वहाँ गए थे, पर वो वहाँ नहीं थी, डैड के कॉल्स भी नहीं उठा रही हैं। हे भगवान। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या हुआ? रियली? ओके ओके, मैं आती हूँ। मदर, मेरी फ्रेंड का फोन था, वो एक रिपोर्टर है, उससे पता है मिनिस्टर्स कहाँ हैं। मैं जाके उनसे एक बार मिल लेती हूँ, उन्हें यहाँ लाने की जिम्मेदारी मेरी। आओ नीचे उतरो, तुम सब उन लोगों में घुल मिल जाना। वाह बॉस, आप यहाँ, जाओ जाके गाड़ी से सामान उतारो। अरे मैं तो भूल ही गया था, जाओ जाके निकालो। अरे नहीं, ड्रेस खराब हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? ऑडिटोरियम लड़कियों से भरा पड़ा है। Oh my God, oh my God. अब तुम लोग जाओ और अपना मनचाहा सर्विस शुरू कर दो। अरे सर्विस के लिए लड़कियां ही चाहिए, ऐसा बोला था ना मैंने? मदर, ये लड़के नहीं है, सिर्फ दिखते हैं, ये उस टाइप के हैं। उस टाइप के? इसका मतलब? अरे वो, अरे सिस्टर, आपको वो नहीं पता है? अरे लड़का देखा, हाँ जी, अरे लड़की देखी, हाँ जी। तुम क्या कर रहे हो? उसी टाइप का। कुछ नहीं होगा मदर। Mm-hmm.
ओ, आप पहले ही पहुंच गए? पहुंच गए, क्यों? उन्हें बुला के बता दो क्या ये ट्रेवनकोर महाराजा कॉलेज के लड़के? सुनो, बताऊंगा तो पुलिस तुम दोनों को उठाकर ले जाएगी। मुंह बंद करके रखो, दोनों के लिए अच्छा होगा। ये कैसा रहेगा? अच्छा लग रहा है। बेटी। हाँ मैम। बालन मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने किसी और को भेजा है प्रोग्राम के लिए। उदय कृष्णा, तुम जानती हो इसे? हाँ जानती हूँ, स्कूल में मेरा सीनियर था, हम दोनों की बनती नहीं थी। ये ठीक नहीं होगा। ऐसे कैसे ठीक नहीं होगा? अब इस आखिरी समय में किसको ला सकते हैं? अब यही गाएगा। वो मुझसे बदला लेने आया है। वो हमारे कॉलेज के लड़के हैं। ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? ये कौन सा ग्रुप है? हमारा ग्रुप। हमारा ग्रुप? हाँ। मधुबन में राधा नाच रे, माधव मधुबन में राधा नाच रे, मधुबन में राधा नाच रे, माधव मधुबन में राधा नाच रे। रास रसाए संग प्रेम जताए संग, दुनिया दीवानी तेरी समझो कहानी मेरी। ताल से ताल मिला दे तेरे संग नाचे यारा हम। मधुर वृंदावन मिला प्रभु का अवर है, तू ही अकेली राधा रे। छुनु 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 तुझको, भाई भाई तू ही मुझको, जीवन की नैया डोले रे। दिल की बात बताऊं तुझे कैसे, नैन से नैन मिला ना तू ऐसे। दिल की बात बताऊं तुझे कैसे, नैन से नैन मिला ना तू ऐसे। सुन जरा मन करे, मन करे, सुन जरा मन करे, पल पल यही कहे मेरम दिन तनाना देर ना दिन तनाना। सुन जरा दिल कहे, पल पल यही कहे दिल ये। मधुबन में राधा नाच रे, माधव मधुबन में राधा नाच रे। रास रसाए संग प्रेम जताए संग, दुनिया दीवानी तेरी समझो कहानी मेरी। ताल से ताल मिला दे तेरे संग नाचे यारा हम। अब हम सभी आदरपूर्वक सम्माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती सीता लक्ष्मी जी से अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ स्टेज पर आए।
कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाय वेदिका, आई एम रोशन, रोशन चेरियन, प्रोफेसर चेरियन का बेटा। हाँ चेरियन सर मुझे ट्यूशन देते थे। वेदिका, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। थैंक यू। एक मिनट, मैं भी आई। वेदिका, गोकुल, तुम यहाँ? तुम्हारा प्रोग्राम देखने आया था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था वेदिका, दरअसल उदय, थैंक्स। क्यों? मैंने सोचा तुम मुझसे बदला लेने आए हो। मैं बालन मास्टर नहीं हूँ। उन्हें अभी भी नहीं पता कि मेरे साथ उस समय क्या हुआ था, कुछ नहीं जानते। उनके सपोर्ट के ही वजह से तुम्हें कंगना अवार्ड मिला है। उदय कृष्णा मेरा सीनियर था। उस साल डांस में मैंने ही टॉप स्कोर किया था। उदय कृष्णा ने नोटिस निकाला था कि मुझे वो टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि मेरे डैड मंत्री हैं। मैंने उदय कृष्णा को गलत समझ लिया। 12 के एग्जाम में टेबल के नीचे कॉपी करते हुए पकड़ा गया। एक साल स्कूल से बाहर, उसके पीछे मेरे डैड ही थे। मुझे सच बाद में मालूम पड़ा। मैं उससे माफी मांगना चाहती थी पर डैड ने मना कर दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई। अरे ये कौन? वेदिका बेटी? लक्ष्मी? हाँ? अरे बेटी। वेदिका बेटी कैसे आना हुआ? मैं बालन सर से मिलने आई थी। मुझे कल ही पता चला कि उदय कृष्णा आपके बेटे हैं। सरस्वती मंदिर में मेरा डांस का प्रोग्राम है। मैं चाहती हूँ कि उदय कृष्णा मेरे लिए गाए। मैं नहीं गाऊंगा। पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं जानती हूँ मेरे डैड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक साल, एक पूरा साल। सर आपके लिए नॉर्मल ब्लैक टी लेकर आऊं? ठीक है। और खाने के लिए? नहीं कुछ नहीं। सही बात है, खाना कम खाना चाहिए। कल वेदिका मेरे घर आई थी। मेरे फ्रेंड की डॉटर है। लेट मी गेट टू द पॉइंट। वेदिका मुझसे मिलने आई थी। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा उसने। उसे बुरा लग रहा है। उसकी जिद है कि टेंपल प्रोग्राम में इस बार तुम ही उसके लिए गाना गाओ। वो सर, मैंने पूछा अगर उदय कृष्ण गाना नहीं गाएगा तो प्रोग्राम नहीं होगा क्या? उसने कहा नहीं होगा। कुछ ही देर में मैंने उसके इरादे समझ लिए। वो तुमसे प्यार करती है। चाय सर। सर सुबह और शाम में छोटे बच्चों को ट्यूशन सिखाकर मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आता हूँ सर। और इस बीच वेदिका को पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो कभी भी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेगी। कैंपस की ताजा खबर, वेदिका को हुआ प्यार। किससे? रियल फाइटर्स के उदय कृष्णा के साथ। वन वे है। उस लड़के से? हाँ। लेकिन कैसे? वेदिका को उसका तबला बजाना बहुत पसंद है। रोशन, शुरू में ही इस प्यार को जड़ से उखाड़ दो, वो उसे छोड़ देगा। हाँ।
खुद है कृष्णा, हमारे साथ है। उसे मारने से पहले एक बार सोच लेना, तुम चार हम दस, जीत हमारी होगी। वो वेदिका को चाहेगा, वो उससे शादी भी करेगा, समझे? विल सपोर्ट हिम, हमारा सपोर्ट है उसके साथ। प्रॉब्लम किया तो उदय कृष्ण कैंपस का स्टार बन गया है। हेलो उदय, मैं वेदिका, मैं कोझिकोड रेलवे स्टेशन पे हूँ, घर जा रही हूँ। स्टेशन पे मेरी गाड़ी है, घर जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, कौन है यार? वेदिका, मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसे रात को बीच रोड पे मिलने को कहा है। रात को मिलने को कहा है? अरे मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि रात को मिलने के लिए क्यों बुलाया है, क्या बात हो सकती है? अबे गली नहीं है, गली नहीं। पराठे के बच्चे, तुझे क्या हुआ? मिलने देना। हाँ मिल गया, ये देखो। देखा ना, कल उसका बर्थडे है, रात के 12 बजे वो तुझसे मिलना चाहती है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं पता, लव, इसे प्यार हो गया है। तू तो छुपा रास्ता निकला। आज रात 12 बजे वेदिका के बर्थडे में विशेष के साथ उदय कृष्णा अपने प्यार का इजहार करेगा। क्या? भरोसा रख। पी ले बेटा। माल मिल गया? ठीक है, ध्यान से। खड़े खड़े देख क्या रहा है, उसमें डालना। मेरा ग्लास कहाँ है? तू तो गले में लटका कर घूम रहा है ना, ये आंखों के लिए। हाँ। पीने वाला तो घर पर जाकर ढूंढ, यहाँ नहीं है। लो 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 लो। हाँ, हमारे लिए कष्ट उठाने वाले हमारे माँ बाप का चेहरा ध्यान में रखकर एक ही सांस में सब लोग फटाफट पी जाओ, ये लो। लेकिन मैं तो पीता नहीं हूँ। कोल्ड ड्रिंक है, पी जाओ, पी लो। अब इंतजार किसका कर रहे हो, पियो जल्दी। अब ये एक गिफ्ट है, एक रिंग। तुझे इसे वेदिका को ऐसे ऐसे देना होगा, आई लव यू। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा भाई। ए, ऐसे नहीं चलेगा यार, तुम्हें उसे ये अंगूठी देनी होगी और उसे बताना पड़ेगा। ओके, बाइक चलाना आता है ना? हाँ। तो एक काम कर, ये ले मेरी बाइक, ठीक है? All the best. बॉस हेलमेट? ए, मार डालूंगा तुझे। दो लार्ज दिए थे कोल्ड ड्रिंक के साथ। अब बोला तेरे एसआई दोस्त को। हेलो एसआई रामचंद्रन सर, मैं मनी बोल रहा हूँ। शराब के नशे में धुत एक आदमी बीच रोड की तरफ आ रहा है, बाइक नंबर है KL02BA99। ओके सर। हाँ? इसकी क्या जरूरत थी, फिर भी ले लेता हूँ, थैंक यू। रखी है क्या? शराब नहीं पीता साहब। लाइसेंस दिखाओ। अरे सर आप, रुको रुको, उन्हें छोड़ दो। नमस्ते सर। आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैं रामचंद्रन, आनंद रामचंद्रन, आपकी 3-4 फिल्मों में काम किया है मैंने।
हाँ याद आ गया। आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं सर? राजा, राजा जो मेगा स्टार महेंद्रन की। हाँ। ओ कमाल है सर, ब्लॉकबस्टर हिट बना दीजिए सर। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ सर। सर एक वीआईपी आए हैं। कितना अच्छा आदमी है ना। क्या अच्छा आदमी है, फिल्म खत्म होते ही फोन नहीं उठाएगा, पहचानेगा भी नहीं। रामचंद्रन सर, ये वीआईपी कौन आ रहा है? आपने उन्हें पहचाना नहीं? प्यार के रास्ते स्क्रिप्ट राइटर केशव बाबू, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उसे पसंद आ गया तो समझो आपका नसीब खुल गया, ये महेंद्रन का राइट हैंड है। अनजाने काम में क्यों दखल दे रहा है? इसे क्या मालूम मैं क्या हूँ। रुको रुको, इधर आ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, आपको पता है? हेलमेट भूल गया सर। तुमने शराब पिए ना? नहीं। ए, टेस्ट करो सर। नहीं, इसमें फूको। देखा? नहीं सर, मैंने शराब नहीं पिए सर, मैं पीता नहीं हूँ सर, सच में। तो हमारी ही मशीन में कुछ प्रॉब्लम है ना? क्या चल रहा है रामचंद्रन? सर रोज तो नहीं पीता है पर आज पी रखी है और हेलमेट भूल के आया है। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? एक दोस्त से मिलना है बीच रोड पे। दोस्त लड़का है या लड़की? लड़की। गर्लफ्रेंड? बीच रोड में कौन है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो कॉलेज। कॉलेज में? वो मदर्स कॉलेज में पढ़ने वाली। अच्छा। वेदिका। वेदिका पार्टी प्रेसिडेंट की बेटी। कंगना। चुप। पार्टी प्रेसिडेंट कंगना, आधी रात को शराब के नशे में लड़की ढूंढने निकला है तू? दूंगा एक तुझे, जा जाके पेपर दिखा, चल। सर 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 प्लीज सर, कुछ फाइन भर के मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज सर। सर मैं निर्दोष हूँ सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर, प्लीज। रामचंद्रन सर, इसे जाने की जल्दी है। अच्छा चल चल के जी में बैठ। सर सर प्लीज सर। बात है मसल्स, सुरेश गोपी है क्या तू? चल जी में बैठ। सर सर क्या हुआ? सर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, अब पुलिस से लड़ रहा है। नहीं सर, मैंने शराब नहीं पी सर। झूठ बोल रहा है सर। बीच रोड पर एक लड़की से मिलने जा रहा था सर। सर प्लीज सर, मैं उससे प्यार करता हूँ, आज उसका बर्थडे है सर। अरे तो बर्थडे के दिन तू उसे रिंग गिफ्ट दे रहा है? चलो गाड़ी में, पुलिस से हाथ उठाएगा तू। चलो गाड़ी में। बच्चा है अभी, केस फाइल मत करना सर, कॉलेज स्टूडेंट है ना। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद छोड़ देना उसे सर। चमक चलो जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। अरे बाप रे, अरे डेड बॉडी, अरे बाप रे डेड बॉडी, अरे डेड बॉडी। किसने देखा पहले? मैंने सर। इस तरह वा हेलो, क्या हुआ? वहां पे लाश पड़ी है। क्या? रोशनी आया? नहीं नहीं आया, कॉल तो किया था मैंने लेकिन फोन नहीं लग रहा है उसका। एक लड़की की लाश है। बॉडी को सीधा करो सर, बॉडी को सीधा करो। चलो पीछे, चलो चलो पीछे जाओ।
मैं इसे जानता हूँ। तुम जानते हो इसे? जी सर, ये पार्टी प्रेसिडेंट शिवानंद की बेटी वेदिका है। वेदिका? विद्यार्थियों में इतना आक्रोश नहीं देखा गया। वेदिका के कत्ल और उदय कृष्ण की आत्महत्या के पीछे छुपे प्रश्नों का कोई उत्तर अभी तक नहीं मिला। पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है। उदय कृष्ण के मर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उदय कृष्ण की मौत आत्महत्या थी, वो खून नहीं था। पता चला है कि उदय कृष्ण एक मानसिक रोगी था। कॉलेज के छत से आत्महत्या करने की धमकी उसने पहले भी दी थी। उस समय पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। पुलिस की लापरवाही की वजह से ही ये घटना घटी थी। कृपया आप हद पार मत कीजिए। एसआई रामचंद्रन और 3 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले कर रहा हूँ, अब वो तहकीकात करेंगे। अब इस केस का नई टीम चार्ज लेगी। Good afternoon, Mr. Tekin. Good afternoon. Bhavani Durga. ये मेरी टीम है। Hello. DYSP Martin, CI Stalin Joseph, CI Bharat Raj. कैसी तबीयत है आपकी? Not bad. थोड़ा टाइम लगेगा। So, Mr. Tekin, आपको लगता है कि उदय कृष्ण ही गुनहगार है? हाँ बिल्कुल। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। शरीर में पाए गए उंगलियों के निशान मुलजिम के हैं।
सुबह के 4 बजे स्टेशन से निकलकर अक्यूज ने ये मर्डर कहाँ किया होगा? क्या वेदिका उस समय तक बीच रोड पर ही थी? क्या उनका संबंध इतना गहरा था कि वो उसका इंतजार करता? वेरी बैफलिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मिस्टर थेकिन। उसके साथ एक आदमी और भी था। एनीवे मिस्टर थेकिन, इस केस पर हमें साथ मिलकर काम करना होगा। श्योर, मैं जल्द से जल्द ज्वाइन करूंगा। मेरे पास सारे लीगल रेफरेंसेस हैं, हमारे देसी चाकू से अल्ट्रा मॉडर्न मशीन गन्स। लुक मैन, आई एम नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम पवनाई। पवनाई? कुछ लोग मुझे पवनाई के नाम से जानते हैं और कुछ लोग मुझे कई और नामों से जानते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कैप्टन के नाम से बुलाता हूँ। कैप्टन, आप यहाँ इस बेस में? बाहर बहुत चर्चा हो रही है और मैंने सुना है कि वेदिका के मर्डर केस में मेरा नाम भी सस्पेक्ट लिस्ट में है, तो मैंने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। पुलिस के आने के लिए मैंने घर पर बैठकर 2 लाज पीकर पुलिस के आने का वेट किया। मैं बेकसूर हूँ, पर आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं ना इंस्पेक्टर? अगर आप बेकसूर हैं तो पुलिस आपको क्यों अरेस्ट करेगी? मुझे पब्लिसिटी की जरूरत है और फिल्म वालों को पता होना चाहिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। कैप्टन, आप इस हालत में रेप और मर्डर कभी कर ही नहीं सकते, ये बात सभी जानते हैं। अगर मैंने अपनी जगह डुप्लीकेट यूज किया हो तो? हाँ, तो आपको सब गुनहगार मान ही लेंगे। पर मैं बेगुनाह हूँ ऑफिसर। कैप्टन प्लीज। ओके, पर मैं एक अरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे निराश मत कीजिएगा। आप हम दोनों का समय बर्बाद मत कीजिए कैप्टन। रामचंद्रन। आनंद रामचंद्रन। फिल्मों में एक्टिंग करते हो? मैडम, आप फिल्म देखती हैं? मेरी कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी? सर्विस में होते हुए फिल्मों में काम करते हो? डिपार्टमेंट से परमिशन लिया था आपने? अरे ये बात नहीं है मैडम, टाइम मिलता तभी एक्टिंग करता था। अब फुल टाइम किया करना, सस्पेंड जो हो गया। क्या सस्पेंशन मैडम, पुलिस को आश्वासन दिलाने के लिए मेरी बड़ी चढ़ा दी गई बस। उस दिन क्या हुआ था रामचंद्रन? मैं एक्ट करके बताता हूँ मैडम। हमारे शूटिंग की कोई लोकेशन नहीं है। सॉरी मैडम। इडियट। काले थोड़ा पानी चाहिए। फांसी लगाने के लिए रस्सी उतनी लंबी थी क्या? जी उतनी लंबी थी मैडम। आपने ही बॉडी को पहले पहचानी थी है ना? कई बार कह दिया मैंने, कहते कहते थक गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते? मुझे चुप रहो, जितना पूछा है उसी का जवाब दो। मैंने ही पहचाना था। तुमने ही बॉडी को पहले देखा था? मैडम, मैं उस कैंटीन में सिर्फ काम करता हूँ, इन सब का कारण मेरा बॉस है। उसके डैडी की मौत जो है रेल की पटरी पे हुई थी, तब से ये काम संभाल रहा है और सारे रूल भी वही बनाता है। लो, इतनी जल्दी आ गया। रेजी ने बताया है कि तुम सब कुछ जानते हो, ये सही है या गलत? तू कभी तो बाहर निकलेगा ना नालायक, तभी मैं तुझे देख लूंगा। तुझे सच पता है? ये सब झूठ है सर, इसने जो कहा झूठ कहा। तो फिर तुम सच बताओ। कॉलेज में रियल फाइटर्स और रॉयल वॉरियर्स के बीच हमेशा झगड़ा होता था। कभी कभी मैं उन दोनों के बीच समझौता करा देता था, मुझे सुकून मिलता था। कंगना वेदिका को कौन पटाएगा इसी बात को लेकर दोनों ग्रुप में मुकाबला हुआ, तभी पता चला कि लड़की को उदय कृष्ण पसंद था। ये सुनते ही रॉयल वॉरियर्स के रोशन को गुस्सा आ गया। रोशन के कहने पे ही बॉस ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला के उदय कृष्णा को पिला दिया था। ये सच है क्या? पर हेलमेट जानबूझकर नहीं छुपाया था। इन्होंने ही पुलिस स्टेशन में फोन करके बताया था कि एक आदमी दारू पीकर गाड़ी चला के आ रहा है ना बॉस, बताइए नहीं ने? अरे हरिश्चंद्र की औलाद इतना सच क्यों बोल रहा है? मन को सुकून मिलता है। उसके बाद रोशन बाहर चला गया, बस इतना ही जानता हूँ। स्टेटमेंट देकर तुम जा सकते हो, जब भी पुलिस बुलाए तुम्हें आना होगा। ओके मैडम। रियल फाइटर्स का लीडर महेश है, रॉयल वॉरियर्स का लीडर रोशन चेरियन। उस शराबी के स्टेटमेंट के मुताबिक 6 फीट 4 इंच की हाइट का एक आदमी वहां देखा गया था। ये रोशन चेरियन की हाइट 6 फीट 3 इंच है। इसके नाम पे 3-4 क्रिमिनल केसेस भी फाइल्ड हैं। अगर शक है तो कस्टडी में ले लो और क्वेश्चन करो। यस मैडम। हाँ, तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक नया अपॉइंटमेंट है, वन मिस्टर एडवर्ड
एडवर्ड लिविंगस्टन। एडवर्ड लिविंगस्टन, हॉलीवुड एक्शन फिल्म हीरो जैसा नाम लग रहा है सर। करेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? ये रोशन चेरियन कौन है? मेरा बेटा है। क्या बात है सर? हम उसे यहाँ अपनी कस्टडी में लेने आए हैं। उसका कनेक्शन वेदिका मर्डर केस से है। रोशन चेरियन ऊपर रूम में है। उतर उतर। रोशन, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है। क्या बात है सर, कैंपस के अंदर पुलिस? अगर सस्पेक्ट कैंपस के अंदर है तो पुलिस को आना ही पड़ेगा। एक स्टूडेंट को मारकर लटका दिया, बस नहीं हुआ? फिर से कैंपस में क्यों आए हो? मारो इनको! रॉयल वॉरियर्स और पुलिस के बीच का मामला है, हम तो बस देखने वाले है क्या? सनग्लासेस पहन के निकल आए हो? आंखों के होते हुए भी आपको दिखाई नहीं दिया। मैं सनग्लासेस आंखों के प्रोटेक्शन के लिए पहनता हूं। सब लोग कहते हैं ये मेरी वीकनेस है। मैडम फोन। What foolishness are you showing there? पागल स्टूडेंट्स को मारपीट का ही आपको सस्पेक्ट पकड़ना है? ये सब इसी वक्त बंद कराइए। सारी पुलिस को कैंपस के बाहर निकालो। It's an order from the Home Minister. Sir, it's over. Megaphone लेकर आओ। Yes, ma'am. Get back. सब बंद करो। पुलिस पीछे जाओ। May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning. मैं एडवर्ड, एडवर्ड लिविंगस्टन। Oh, yes, yes. Hello, sir. Hello. तुम अभी से ज्वाइन कर सकते हो। Thank you, sir. Okay. All the best. Good luck, sir. Oh God. कैसे कैसे प्रोफेसर भेज रहे हैं इस कॉलेज में? नया इंग्लिश प्रोफेसर है ना? हाँ, पर इसके तीन पनिशमेंट के बाद चौथा ट्रांसफर है ये, समझे? दो क्रिमिनल केस हैं इस पे। क्यों? मोबाइल है तुम्हारे पास? इसका नाम सर्च करके देख लो। हाँ? गुड मॉर्निंग एडवर्ड, एडवर्ड लिविंगस्टन। मैं अभी अभी यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ हूँ। हाय, मैं कृष्णकांत। हेलो, मैं राजेश। मैं थॉमस। शरण।
हेलो। और आपका शुभ नाम? स्मिता। अच्छा नाम है। आप क्या पढ़ाती हैं? ये नया प्रोफेसर आते मेरे सपने उजाड़ने में लग गया। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, मॉडर्न हिस्ट्री। गुड। हेलो हेलो। एक घंटे बाद मेरी क्लास है। लगता नहीं आज क्लास होगी, स्टूडेंट बहुत कम है। जितने हैं मिल लेता हूँ, बाकी से बाद में मिल लूंगा। नए प्रोफेसर से मिल लिए ना? बंदा थोड़ा सा गड़बड़ है, केयरफुल। अरे क्या सर, वो बहुत अच्छे हैं। खाक अच्छे हैं। सह अध्यापक पर चाकू से वार किया था उसने। पर क्यों मारा सर? एक स्टूडेंट के साथ बुरे बर्ताव के लिए। उस केस में मुझे रिहा कर दिया गया था। नो एविडेंस। सॉरी, मुझे पता नहीं था। I am Edward Livingston, new English professor. क्या Livingston? Edward Livingston. साइज के हिसाब से तुम्हारा नाम भी बड़ा है। Silence. दिखने में तो रामप्रसाद त्रिपाठी लग रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? रोशन। रा? रोशन चरियन। बेटा, गैलरी से गोल मारना बहुत आसान है, खेलना है तो ग्राउंड में उतर के खेलना होगा। ग्राउंड में उतरना सीख। ऐसे कई खेल सीखने के बाद यहां आया हूं। तू मुझे खेल सिखाने की कोशिश मत कर, ये तेरे बस की बात नहीं है। समझ गया ना? समझा कि नहीं? ये सरकारी कॉलेज है और यहाँ फीस नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ भी चलता है। तुम्हें सिखाने के लिए सरकार मुझे तनख्वाह देती है, तुम्हारे मेरे घर वालों के पैसे से ही नहीं, पर पब्लिक के टैक्स से ये कॉलेज चलता है। इसलिए मेरे क्लास में आप जरूर सीखेंगे, सीखना ही पड़ेगा। मैं सिखा के ही रहूंगा। और दूसरी बात, जिन्हें सीखना है वो यहाँ बैठे, और जिन्हें नहीं सीखना है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरे परमिशन के बगैर कोई भी स्टूडेंट क्लास के बाहर नहीं जाएगा। सिट डाउन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये आपकी पहली क्लास है, तो चलिए हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के बारे में। वो कौन सी भाषा थी जो इंग्लैंड में 600 एडी से पहले बोली जाती थी? कोई इसका जवाब दे सकता है? द लैंग्वेज स्पोकन इन द इंग्लिश टेरिटरी बिफोर 500 एडी वॉज कॉल्ड हेल्टिक। इस कॉलेज का सबसे बिगड़ा हुआ क्लास आज एकदम चुप था। आर्ट्स ग्रुप में एक खतरनाक प्रोफेसर आया है, स्टूडेंट्स बता रहे थे। चिरियन सर भले ही हेड है, लेकिन अब आप हमारे लीडर हैं। सैनिकों में विद्रोह फैलाने वाले को पहली पंक्ति में खड़े करने की रीति एक जमाने में थी। दुश्मन पहले इन्हीं लोगों के सर काटते थे। सर एक रिक्वेस्ट है। आप ही हॉस्टल वार्डन का चार्ज संभालते हैं ना, एक रूम मुझे दे देते तो। पहले से ही अलॉट कर दिया। थैंक यू सर। साड़ी सुंदर है। साड़ी की सुंदरता उसे पहनने वाले पे निर्भर करता है। आई रिस्पेक्ट वीमेन। थैंक्स। प्यून जी, बहुत अच्छा है ना? सावधानी हमेशा बेहतर है। स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हुई थी, मीडिया और टीवी चैनल अभी से मुद्दा बना लिए हैं। यह प्रॉब्लम सिर्फ इस कॉलेज की नहीं है, इस राज्य में 627 कॉलेज हैं। इस नई पीढ़ी की वोट सरकार बना या बिगाड़ सकती है। तो फिर वेदिका मर्डर केस में मुलजिमों को कैसे हैंडल करेंगे सर? बुद्धि लगाकर या कोई चाल चलकर कॉलेज के स्टूडेंट लीडर्स, कॉलेज के प्रोफेसर और बाकी के स्टाफ को बुलाकर एक मीटिंग रखो। इसे सभी लोग देखेंगे, बिल्कुल वॉलंटरीली। जो होम मिनिस्टर इन्वॉल्वड हैं, उसे राज्य के हवाले करने का प्रोसीजर शुरू करो। तब तक किसी भी कारणवश कैंपस के अंदर पुलिस प्रवेश नहीं करनी चाहिए। इट्स एन ऑर्डर सर।
आवाज सुन के आया था, शोर कुछ कम कर सकते थे हा? किस डिपार्टमेंट के हो? मैं कैंटीन डिपार्टमेंट से हूँ। इधर आओ। एक मिनट आता हूँ। जी सर। तुम्हारी अलीबाग में काफी जान पहचान है ना? जी सर। गांजा फर्स्ट क्वालिटी मिले तो मुझे याद रखना। जी जाओ। बोला ना निकलो। मे आई कम इन? मेरे आने से कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बैठिए। हम बच्चों के रोल मॉडल्स हैं। क्या करूं, आदत पड़ गई, सिर्फ दो पीता हूं। नहीं नहीं, मैंने पीता। आपसे एक बात कहनी थी रोशन के बारे में, गलत मत समझिएगा। यहां आने से पहले उसके कमरे में गया था, कमरे में धुआं ही धुआं था, पूरे कमरे में गांजे की बदबू आ रही थी। आपने कहा था ना, बच्चे ये सारी आदतें हमसे ही सीखते हैं। मैं और मेरा बेटा इसी हॉस्टल में रहते हैं, पर वो मुझसे बात नहीं करता। मैं कभी भी एक अच्छा बाप नहीं बन सका। बेटे के सामने मैं एक गुनहगार हूं। आप डिवोर्सी हैं? हाँ। लोग सोचते हैं कि मेरा किसी और के साथ रिश्ता था, पर असली कारण ईगो था, मेरा ईगो। आपके बेटे पर खून का इल्जाम है? जिस रात वेदिका की हत्या हुई उस समय वो अपने माँ के पास था, माँ का जन्मदिन मना रहा था। पर सच्चाई तो यह है कि मुझे पता है अगर वो पुलिस के हाथ लग गया उसे वो जुर्म कबूल करवा लेंगे। कल के मीटिंग में MLA, कमिश्नर, ACP भवानी दुर्गा और कई सारे लोग शामिल होंगे। इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ मेरे बेटे को अरेस्ट करने की तैयारी भी चल रही है। मेरे बेटे की सहायता के लिए कोई नहीं है। उसे पुलिस अरेस्ट करने के तुरंत बाद मैं इस पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। आदरणीय साथियों, सुसाइडल टेंडेंसीज युक्त उस युवक की मौत में पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पर उस घटना में जो शामिल थे उन्हें बताना चाहिए कि असली कातिल को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। उसके आधार पर मुलजिम को कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। रोशन चेरियन को आपके हवाले करने में रियल फाइटर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सर, मैं एडवर्ड लिविंगस्टन, मैं किसी ग्रुप का नहीं हूं, लेकिन उदय कृष्ण रियल फाइटर्स के ग्रुप का मेंबर था ना, रोशन के साथ दुश्मनी में उदय कृष्ण को भूल जाना ठीक है क्या? सर, एक और सवाल, अगर उदय कृष्ण निर्दोष था तो पुलिस ने उसे कस्टडी में क्यों लिया था? पुलिस कस्टडी में हुई उदय कृष्ण की मौत के बारे में आप क्या सफाई दे सकते हैं? इंसाफ की तलाश में भटक रहे बालन मास्टर आज हमारे बीच मौजूद हैं। पुलिस एक पिता को क्या जवाब देने वाली है? तुम उदय कृष्ण क्या वेदिका मर्डर केस में सस्पेक्ट था? कोई जवाब नहीं। किस एविडेंस के बल पे आपने उसे अरेस्ट किया था और अब आप किस आधार पे रोशन चेरियन को ले जाना चाहते हैं? इंक्वायरी करने के बाद ही ठोस सबूत मिल सकता है। शक के आधार पर पुलिस कई लोगों से सवाल कर सकती है। ये कई लोग कौन है सर? रोशन चेरियन, बीनू, दीपन, आशिक, फिर महेश रमन, गोकुल दास, जीतू, लालू, सनत। सुन लिया, पुलिस की लिस्ट में रियल फाइटर्स और रॉयल वॉरियर्स में कोई फर्क नहीं। सर, अगर पुलिस चाहती है कि हम इन सभी विद्यार्थियों को आपके हवाले कर दें तो मेरे कुछ सवालों का जवाब आपको देना होगा। आपके FIR के अनुसार लड़की का बलात्कार और कत्ल इस कैंपस में नहीं हुआ, लाश को सिर्फ यहाँ फेंका गया था। किसने फेंका और कैसे? फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार लाश को कंपाउंड वॉल के ऊपर से फेंका गया था। सर, उस कंपाउंड की वॉल की ऊंचाई क्या थी? 7 फीट। ठीक 27 फीट उत्तर दिशा में इस कॉलेज का एक शॉर्टकट है। पिछले 4-5 साल से स्टूडेंट्स और टीचर्स उसी रास्ते से आते और जाते हैं क्योंकि वो सीधा और आसान रास्ता है। जब इतना आसान रास्ता है तो क्यों कोई इतना कष्ट उठा के 7 फीट ऊंचा कंपाउंड के ऊपर से लाश को अंदर फेंकेगा? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, कातिल कैंपस का नहीं है, बाहर का है। ये सिर्फ आपका मानना है, बाकी सब एविडेंस सस्पेक्ट के खिलाफ है।
सॉरी सर, सबूत या कोर्ट के ऑर्डर के बगैर हम बच्चों को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। ओके ओके, मैं सीएम को ये रिपोर्ट सबमिट कर दूंगी। थैंक यू। मिस्टर एडवर्ड लिविंगस्टन, कैंपस के बाहर आपका ये सुरक्षा कवच बिल्कुल बेकार है। मैडम प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट अस। थैंक यू एडी, आपने सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं बल्कि मेरे 34 साल के टीचिंग करियर को भी बचाया है। मैंने सिर्फ कोशिश की थी। मणि सर, अब क्या हुआ? दोनों ग्रुप के लीडर्स 1 घंटे में तुम्हारी कैंटीन में होने चाहिए। ओके सर। क्या पता? केरल के सभी लीडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, पर इस कॉलेज की बात ही कुछ और है। गैंग कल्चर, गुटबाजी, जब तक आप लोग साथ मिलकर काम नहीं करोगे तब तक इस बात का कोई हल नहीं निकलेगा। सो इसके बाद यहाँ रियल फाइटर्स और रॉयल वॉरियर्स नहीं रहेंगे, सिर्फ स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टूडेंट्स ग्रुप। क्या हुआ? कोई और केस होता तो मैं आरटीओ ऑफिसर को फोन करके पूछ लेता। ये तो मेरी बेटी है, सब गुनहगार आपकी आंखों के सामने हैं। पहला गुनहगार रोशन चेरियन, फिर भी अरेस्ट करने में क्या देरी है? सरकार ने ऑर्डर दिया है कि हम कैंपस में अरेस्ट नहीं कर सकते। सस्पेक्ट्स कैंपस के बाहर निकल नहीं रहे, रात में हॉस्टल और दिन में कॉलेज। सिर्फ एक बार उन्हें कैंपस से बाहर निकालिए। मारपीट और गुंडागर्दी करके ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। उन स्टूडेंट्स को इस कमिश्नर ऑफिस तक लाना जानता हूं। डियर कलीग, आज के इस मीटिंग में हम चर्चा करेंगे पिछले दिनों हुए कुछ असाधारण घटनाओं के बारे में। गुंडों का आक्रमण और हमारी तरफ से मारपीट के बारे में कमिश्नर ने फोन किया था। गुंडों में 2-3 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी है, उनमें से अगर किसी को कुछ हो गया तो आप लोगों पर मर्डर का केस फाइल हो सकता है। इसलिए आप अध्यापकों का ध्यान इस विषय पे मैं लाना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, इस कॉलेज में कई महान लोगों ने कभी पढ़ा है। हम लोग दूसरों के मुकाबले काफी आगे हैं एकेडमिकली भी। मुझे मेरे कैंपस पर बहुत गर्व होता है, लेकिन मुझे अब बहुत शर्म आती है कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। पिछले 2 महीनों में जितनी भी कैंपस में घटनाएं घटी थी वो सब दोषी विद्यार्थियों को बचाने के प्रयास में हुई थी। उनपे और उनको बचाने में लगे हुए हमारे इंग्लिश प्रोफेसर एडवर्ड लिविंगस्टन के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, ये मेरा विचार है। अगर आपके घर में घुस के कोई आपके बच्चों को मारे तो क्या आप चुप बैठेंगे? मेरे लिए विद्यालय मेरे परिवार के जैसा है, ये मेरा विश्वास है। माता पिता गुरु ये सब ईश्वर के समान हैं, यही सिखाया गया था, यही हम बच्चों को भी सिखाते हैं। इसलिए इनके माता पिता हमारे इस कॉलेज में अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई मेरे कैंपस में घुस के मेरे बच्चों को मारे तो मैं चुपचाप नहीं देख सकता। अगर मैंने कोई गलती की है तो विद्यार्थियों को कहने दो। अगर वो कहते हैं कि मैंने गलती की है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। इससे भी अलग कई विषय हैं जिस पर हम लोगों को चर्चा करना है। ये कॉलेज का कैंपस अस्वस्थ और गंदा है, खास करके हॉस्टल। वहाँ सिर्फ जंगल है, रात को बिल्कुल अंधेरा रहता है। उस अंधेरे में असामाजिक तत्व बड़े आराम से नशीला पदार्थ हॉस्टल में पहुँचा देते हैं। प्लम्बर, वॉचमैन, गार्डनर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे पद खाली पड़े हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। इस पर कोई विचार क्यों नहीं करता? रिपोर्ट को दिए 2 साल हो गए। रिपोर्ट देना काफी नहीं है सर, फॉलो अप जरूरी है। इस राज्य के कई बड़े अधिकारी इस कॉलेज के पुराने छात्र हैं। अगर वो लोग चाहें तो यहाँ पर सब कुछ हो सकता है सर, और एक अच्छा सा सुरक्षात्मक माहौल दे सकते हैं हम।
इसके लिए जरूरी है कि हम आपस में न लड़ें, सब एक साथ मिलकर काम करें, बजाय इसके कि मेरे पुलिस केस के बारे में बात करें या फिर मेरी जिंदगी के बारे में बात करें। मेरे केस को चलाने की बुद्धि मेरे पास है, आप उसकी चिंता ना करें। That's all, sir. Good. कैंपस घटना में मार खा के हॉस्पिटल में पड़े हुए लोगों की हालत क्रिटिकल है। तो खतरनाक औजारों के साथ जो लोग कैंपस के अंदर आए थे उन पर कोई केस नहीं है सर? वो पुलिस देख लेगी, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं। उस बारे में मैंने एक कंप्लेंट दिया था, उस कंप्लेंट के बारे में जानने का मेरा हक है ना, जानकारी का अधिकार, आई मीन राइट टू इन्फॉर्मेशन। कैंपस में घुसे हुए गुंडों को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? पुलिस वालों ने। ये मैंने मदद मांगने के लिए एसीपी भवानी को फोन किया था, ये उसका वॉइस मैसेज है सर। सर गुड आफ्टरनून एसीपी भवानी। मैडम दिस इज एडवर्ड, यहाँ कैंपस में गुंडों ने तोड़फोड़ मचा रखी है, मारपीट चल रही है, पुलिस की मदद चाहिए। सॉरी सर, कैंपस के इश्यूज कैंपस में ही निपटा लीजिए, सरकार ने पुलिस को कैंपस में आने से मना कर दिया है। सुन लिया ना सर, परमिशन एसीपी भवानी दुर्गा ने दिया था। मैंने तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए थे कि कैंपस में पुलिस नहीं जानी चाहिए। लोग घायलों में से कोई भी मर गया तो मैं उसी वक्त में जेल में बंद कर दूंगी। किस सेक्शन में? सर 20-30 गुंडों को अकेले मारने के लिए मैं कोई बहुत बड़ा चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ। सच बात तो यह है कि उस दिन उन बच्चों ने उन्हें मार के भगाया था। लीडर तो आप ही थे ना? जी हाँ मैं ही था, पर उनको भेजा किसने था सर? उन्हें कस्टडी में लेकर के सवाल क्यों नहीं करते? जितना सच बाहर निकलता है उतना गंदा लगता है सर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो स्टूडेंट्स जो तुम्हारे प्रोटेक्शन में हैं, और कितने दिनों तक तुम उन्हें कैंपस में छुपा कर रखोगे? किसने कहा कि मैंने उन्हें छुपा के रखा है? सर मैंने किसी को छुपा के नहीं रखा, रोशन उन लड़कों ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया है सर। मिस्टर एडवर्ड यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। कमीना। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। हेलो। हेलो मैम, अगर तकलीफ ना हो तो आप बाहर आइए। एक्सक्यूज मी सर। मैम यहाँ नीचे, आपसे कहा था ना कि मुझे यहाँ ड्रॉप करने वाले आपके अक्यूज स्टूडेंट्स ही थे, अब मुझे यहाँ से ले जाने वाले भी वही लोग हैं। पुलिस के ठीक सामने बैठे हुए क्रिमिनल्स को भी आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं मैम, सो सैड। ओके मार्टिन। यस मैम। जाने से पहले उन्हें अरेस्ट करो, उन्हें कैंपस के अंदर जाने मत देना। ओके okay, चलो 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 जल्दी करो, चलो चलो कम ऑन। हेलो एडवर्ड लिविंगस्टन।
10 मिनट पहले यहाँ पहुँच चुके थे। गधे कहीं के? गधा नहीं, एडी, एडवर्ड, एडवर्ड लिविंगस्टन। अच्छा तो ये कितने पेजेस हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ, ये दिखाओ तो। आने वाले सैटरडे संडे को मैं और कुछ स्टूडेंट्स सोशल सर्विस के तौर पर इस कैंपस को साफ सुथरा बनाने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। फिर ये मत कहिएगा कि मैंने कहा नहीं और आपने सुना नहीं। स्कर्ट और शर्ट ब्लाउज में मैडम आए तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। ए, औरतों से ठीक से बात करो। मैं औरतों की इज्जत करता हूं। यारा बन जाएगा तू प्यारा, हर सपना पूरा होगा तेरे यारा। मैं दिल की बातें सुन लूं, तू दिल की बातें सुन ले, रहेंगे हम दोनों आगे आगे। चलो मिलके करे काम खुशी खुशी, जिंदगी की सारी खुशियां पूरी होगी। चलो संग में यारा, साथ सपने पूरे हो जाए। आओ मिलके साथ अब तो झूमे नाचे नाचे गाए। दिन हो या रात हो, मिलके संग संग गुनगुनाए। तू कर ले मेहनत यारा, बन जाएगा तू प्यारा, हर सपना पूरा होगा तेरे यारा। मैं दिल की बातें सुन लूं, तू दिल की बातें सुन ले, रहेंगे हम दोनों आगे आगे। चलो मिलके करे काम खुशी खुशी, जिंदगी की सारी खुशियां पूरी होगी। चलो संग में यारा, साथ सपने पूरे हो जाए। आओ मिलके साथ अब तो झूमे नाचे नाचे गाए। दिन हो या रात हो, मिलके संग संग गुनगुनाए। जोश में है हम ना किसी से कम, क्या कोई करेगा हम जो मिल रहे। सपनों की उड़ान छू ले आसमान, सपने साकार सारे हो जाएगा। दिल को मिल गया सुकून अब देखो देखो, छू लिया देखो आकाश अब देखो देखो। चलो मेरे संग जिंदगी के मजे ले 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 रे। देखो देखो रे, चलो मेरे संग जिंदगी के मजे ले 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 रे रे। स्मिता मैडम, एक मिनट बाहर आइए, मैं आपको एडवर्ड सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जल्दी आइए। हंसते मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, प्यार करने वाले। ये तो दिल का मामला है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। मैडम ने देख लिया क्या? आप उस औरत के साथ जो हृदय परिवर्तन कर रहे थे। मेरे पास तो एक ही हृदय है। ओ रहने दो, हो सकता है कार में दिलचस्पी हो। हाँ ऐसा हो सकता है। आपने जूलॉजी पढ़ी है? मनुष्य के दिल में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 होते हैं। सिर्फ एक चैम्बर मैंने वहां खोला था, बाकी 3 चैम्बर्स खाली हैं। यू आर वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर वो न्यू अपॉइंटमेंट्स, कॉलेज के मांगों को सरकार ने सुन लिया। 5 अपॉइंटमेंट्स, 2 सिक्योरिटी, 1 वॉचमैन, 1 प्लम्बर और 1 इलेक्ट्रिशियन। 2 सिक्योरिटी, 1 वॉचमैन, 1 प्लम्बर और 1 इलेक्ट्रिशियन। 5 लोग यहाँ आज अपॉइंट हुए हैं। उनके चेहरे के भाव और उनका तौर तरीका भी कुछ अजीब सा है। कुछ तो बात है। उनका हेयर स्टाइल देखा? पुलिस है, पुलिस। उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी असलियत जानते हैं। तुम लोग सावधान रहना। जो भी पुलिस की लिस्ट में है कुछ दिनों तक कैंपस छोड़कर बाहर मत जाना। कौन है? नमस्कार सर, आप यहाँ? तुम यहाँ? मैंने ये नहीं, वो बबन को बुखार था तो मैंने सोचा। नहीं नहीं, रोशन ने कहा कि दवाई लेकर आओ, ये काली मिर्च है। आज के बाद मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे मार डालेंगे, मैं जानता हूँ। नहीं सर, मैं कभी नहीं आऊंगा। जाओ जाओ। ठीक है, इसके पैसे आपके अकाउंट में लिख दूं? जाते हो या? नहीं सर, मैं कभी नहीं सुधरूंगा, यही मेरी सजा है। अब मैं जाता हूँ। हाँ सर, ये मेरा था। इसकी आदत मत डालना, ये लो। पर इसकी आदत कभी मत डालना। क्यों, रोशन कहाँ है? सुना नहीं तुमने? रोशन, महेश और जीवन बाहर गए हैं। कब? थोड़ी देर पहले। क्यों? वो महेश की गर्लफ्रेंड अपनी किसी फ्रेंड की मेहंदी सेरेमनी के लिए आई है, उसी से मिलने गए हैं। मैंने कहा था ना कि बाहर पुलिस खड़ी है। मुझे बताया होता तो मैं लेकर आ जाता, फिर रेप मर्डर या कुछ भी कर लेते। एडी, पुलिस वाले। आप जाकर सो जाइए, मैं देख लूंगा। सर हम भी चलें सर? नहीं, स्टूडेंट्स हो, मेरे दोस्त नहीं हो तुम लोग। मेरे मना करने के बावजूद गाड़ी की चाबी दो मुझे, मैं अकेले ही जाता हूं। मैंने सुना है कि रमन सर कोई नई फिल्म में काम करने वाले हैं। अच्छा है, हीरो कौन है? महेंद्र, मोहनलाल, सुरेश गोपी, दिलीप, सोनू सिन्हा, नवीन पॉल। ओह माय गॉड, एक और 2020। ये सब नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर कौन है? सस्पेंस, आपको झटका लगेगा।
खुशी मिली है, नजरें मिली सपने सजे मजा आया रे, नजरें मिली मिली सजे सजे। करके तुम सही वक्त पे लौट आए हो जॉन थैकिन। थैंक्स। क्या हुआ सर? सर वो सर, सर जल्दी चलिए सर। क्या हुआ उसे? सर जॉन थैकिन ने हमारे रोशन को। हाँ सर जल्दी चलिए सर, प्लीज जल्दी करिए सर, प्लीज सर। हाँ सर, इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। सर रोशन स्पीकर पर डालो। आज रात उसे स्टेशन में रखना ठीक नहीं होगा, उसके दोस्त भाग गए। उसे स्टेशन से बचाने के लिए एडी और उसके स्टूडेंट्स हमारे स्टेशन पर हमला जरूर करेंगे और उनकी ताकत के आगे हम सब कमजोर पड़ जाएंगे। एक रात, सिर्फ एक रात, कोई सुरक्षित जगह।
सिर्फ एक आदमी हमारी मदद कर सकता है, वो जिसे कातिल को पकड़ना जरूरी है। चलो जल्दी करो, इसे गाड़ी में बिठाओ। कौन है ये वीआईपी? पुलिस के मुताबिक वेदिका मर्डर केस के प्राइम अक्यूज को आज कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। देखते हैं हमें पुलिस अब क्या बताती है। देखते हैं इसे आत्महत्या कहते हैं या खून। आप देख सकते हैं कि कमिश्नर ऑफिस के बाहर भीड़ लगी हुई है। के दौरान ये बात बताई गई। ये लोग मुजरिम को देखने के लिए यहाँ आए हैं। प्लीज 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 बता सकती हैं? प्लीज प्लीज मूव अवे प्लीज प्लीज। मुजरिम इस वक्त यहाँ नहीं है। अगर मुजरिम यहाँ होता तो उसके स्टूडेंट फ्रेंड्स कभी के इस पुलिस स्टेशन को तोड़ फोड़ के उसे बचा के ले गए होते। क्यों है ना एडवर्ड सर? अगर एक आक्रमण के लिए मिस्टर एडवर्ड यहाँ इन स्टूडेंट्स के साथ उपस्थित हैं, तो हम बेचारे पुलिस वालों को भी तो कुछ सेफ्टी चाहिए। Let's have a turn for the media. जैसा आप चाहें। Excuse me, Mr. John Thicken, accused को पेश करते हैं। Hello? What? क्या हुआ मैम? मैं पुलिस के जितना तेज तो नहीं हूँ। मेरे छोटे से दिमाग ने यह तो समझ लिया था कि उसे पकड़ने में किसकी दिलचस्पी है। जिला प्रेसिडेंट शिवानंद, जिसकी हत्या हुई उसका पिता। एसीपी मैम ने आधा घंटा लिया था, एक घंटा हो गया, अभी तक मुजरिम हाजिर नहीं किया गया। यह सिर्फ दिखावा है, इनका रोशन चेरियन निर्दोष है, वो इस समय हॉस्टल में है। मैं आपको दिखाता हूं। हाय रोशन। हाय सर। पत्रकारों को हॉस्टल का बोर्ड तो दिखाना जरा रोशन। ये रहा। तो फिर हम चलते हैं। आपके होठ पढ़ लिए, फिर भी मैं आपकी इज्जत करता हूं, औरत है ना। रुक। हम पुलिस वाले तेरे ऊपर दो केस फाइल कर दे तो बाहर निकलने में 5-8 साल लग जाएंगे, तुझे समझ में आया? राजा रवि वर्मा बहुत बढ़िया नाम है सर, पर ये जो राजा नाम है ना सर, ये सिर्फ मर्दों पे जचता है, किसी चमचे पर नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है कि पुलिस सच्चे अपराधियों को नहीं पकड़ सकती है, पर हम पकड़ सकते हैं। मैं और मेरे स्टूडेंट्स ग्रुप
हमें 10 दिन दीजिए, 10 दिनों में हम कातिलों को पुलिस के हवाले कर सकते हैं, उस दिन हम कॉलेज का गेट पुलिस के लिए खोल देंगे। 10 दिन। दस दिन में कातिलों को पकड़ लेंगे और उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, ये डायलॉग मारना काफी नहीं है, उन्हें ढूंढना है। रियल क्रिमिनल हमारे बीच में ही है। आप ही ने तो कहा था कि क्रिमिनल कैंपस के बाहर है। वो तो मैंने आप लोगों को पुलिस से बचाने के लिए कहा था, लेकिन असली कातिल कैंपस के अंदर ही है और वो बहुत चालाक है। वो रोशन हो सकता है, महेश हो सकता है, गोकुल दास या फिर कोई और। हमारी बातों को छुपकर सुनने वाला मनी भी हो सकता है। कातिल कभी भी खुद जुर्म कबूल नहीं करेगा, बच कर निकलने की कोशिश करेगा। हम सबके अंदर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर छुपा है, दूसरों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में दिलचस्पी है, हाँ कुछ अच्छा काम करने के लिए। क्या आप मुझे भी अफसर बनाएंगे सर? ऑफिसर? हाँ। तुम्हें? हाँ। होगा तुमसे? क्यों नहीं। तो फिर ढूंढ निकालते हैं कातिलों को। दिल की बातें ना हर कभी मानेंगे हम तो यार। सुनो अपने दिल की बातें ना हर कभी मानेंगे हम तो यार। जोश जवानी का हिम्मत दिखा दे, जोश जवानी का हिम्मत दिखा दे, दुनिया वालों को तू अपना बना। क्या हो आगे क्या हो पीछे हमको है ना फिकर। मेरे यार, मेरे यार, मेरे यार, कर ले कर ले कर ले दिल से काम, आ मेरे संग, संग तू, कर ले कर ले कर ले दिल से काम।
माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां उपस्थित सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे मित्र बने शत्रुओं ने सोचा था कि इस फिल्म के लिए मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा और मेरी फिल्म नहीं बन पाएगी, पर मुझे एक प्रोड्यूसर मिल गया था। मैं उनका सम्मान पूर्वक यहां स्वागत करता हूं। प्लीज वेलकम सुभाष जी। पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ एक महान कलाकार, कुछ दिनों पहले इन्होंने अपनी वर्दी उतार कर फेंक दी और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर ये फुल टाइम प्रोड्यूसर बन गए हैं। ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन फिल्म है। फिल्म के आखिरी मिनट तक कातिल कौन है ये कोई नहीं जानता। फिल्म का प्रोड्यूसर वो किरदार निभा रहा है, आनंद रामचंद्र, और मैं फिल्म का विलन हूँ। इस फिल्म इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स मुझे लात मार के ही आज बड़े स्टार्स बन गए हैं, पर अब मैं वो करने जा रहा हूं जो वो नहीं कर सके। डायरेक्शन, 8 फाइट, 6 गाने और थोड़े बहुत सीन्स। अब पूजा कोई करे या नहीं, पर प्रोड्यूसर साहब के निवेदन पर मैं कैप्टन राज खुद अपना स्वागत करता हूं। आपने बहुत अच्छा किया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप कौन हैं? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सभी लोग सुनिए, अभी भी मेरे फैंस हैं। क्या मैं एक सेल्फी ले लूं? प्लीज सर। हमने इस केस के पीछे बहुत दिन लगा दिए, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कातिल अगर नहीं मिला तो रोशन को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। कल तुम्हारे पेरेंट्स की शादी की सालगिरह है ना? यस सर। उनके डिवोर्स हुए कितने साल हो गए? 3 साल सर। तुम्हें उन्हें साथ लाना पड़ेगा। अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया तो उनका सहारा कोई और नहीं होगा, इसलिए ट्राई टू रीयूनिट देम, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ओके सर। एडी, एक बात है, रोशन ने मुझसे बात किया, उसने आज रात मुझे डिनर पे बुलाया है, होटल ऑल सीजंस। तुम्हें भी आना होगा मेरे लिए। मैं जरूर आऊंगा, रोशन के सारे दोस्त वहां होंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। Thank you. Happy anniversary, sir. Thank you very much. Chalis. अब उन्हें उनका संसार संभालने दो, हम लोग को यहां से निकलना चाहिए। डोंट वरी, बिल मैं पे कर दूंगा। ओके सर, होप यू विल ज्वाइन अस लेटर। ओके, चलो। Cheers! Cheers! Excuse me. Hello. रोशन, तुम यहां? क्या बताऊं सर, वहां सेंटिमेंटल सीन चल रहा था। क्या हुआ, टेंशन में क्यों है? रामलता, उसकी शादी फिक्स हो गई है, वो घर से भाग गई है। रामलता, वाह, अच्छा नाम है। प्यार करना गलत नहीं है, पर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ सपने देखते हैं, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और कोई चारा नहीं है, मेरे भरोसे घर छोड़ के आ रही है, उसे छोड़ नहीं सकता हूँ मैं। डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। कहाँ आ रही है और कैसे आ रही है? टैक्सी में, कहा था बीच होटल आ जाएगी। तू जाकर उसे यहाँ लेकर आ। ये ले बाइक की चाबी, बाकी के अरेंजमेंट्स हम देख लेंगे, तू निकल। हम्म।
वो शराब पी के गया है, तो उसके साथ जा। एसआई रामचंद्रन सस्पेंशन में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूज काफी है इन्फॉर्म करने के लिए। उससे कह दो कि मुजरिम आ रहा है, चल जा। गाड़ी में बिठाई से। क्यों, क्या बात है? ना बताओ तो गाड़ी में नहीं बैठोगे क्या? पकड़ी से। आप रामलता हैं? हाँ। गाड़ी से बाहर आइए। क्या हुआ सर? वेदिका मर्डर केस में पुलिस ने महेश को कस्टडी में लिया है। क्या? डरने की कोई बात नहीं, वो निर्दोष है, स्टेटमेंट लेके छोड़ देंगे। महेश के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ, आपको पुलिस स्टेशन ले जाना है, चलिए। ओके सर। ये तो पुलिस स्टेशन नहीं है, ये एसीपी मैडम का घर, आप उधर ये। मैडम यहाँ नहीं है क्या? वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगी, आप अंदर जाके बैठिए। नहीं, मैडम को आने दो। बाहर निकल, मैं कहता हूँ बाहर निकल। पिछले तीन चार महीनों से तुमने हमारी नींद खराब कर रखी है, तुमने क्या सोचा कि हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे? चल। तो सस्पेंड था ना, फिर ये यूनिफॉर्म क्यों? बाहर जीप किसकी खड़ी है? किसके कहने पर इस लड़की को यहां लाए हो, बताओ? आज वेदिका मर्डर केस में असली कातिल को आज यहां सबके सामने लाया जाएगा, इसकी पड़ताल जारी है। ट्रेवेनपोर्ट महाराजा कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर एडविन लिविंगस्टन ने कहा था, पुलिस को थोड़ी ही देर में वो कातिल सौंपा जाएगा, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सरकार ने हमें आदेश दिया है कि बिना इजाजत कॉलेज में प्रवेश करना मना है, इसलिए हम शांत होकर इंतजार करते रहे, पर आज वो कातिल को कॉलेज से निकाल कर हमें सौंपने वाले हैं। थैंक यू।
ऑफिसर्स, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गया था मैं, तभी पता चला कि सब लोग यहाँ पर हैं। लुक ऑफिसर्स, आप लोगों को बता दूं कि कल रात से मेरा प्रोड्यूसर गायब है। सबका हल ढूंढ निकाल लेंगे, आप प्लीज कार में बैठ जाइए। निसार सर, गाड़ी की एसी ऑन करो। सर प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सर प्लीज क्या आप बता सकते हैं सर? पुलिस और कैंपस के बीच की जंग आज समाप्त होगी। वेदिका मर्डर केस में प्राइम अक्यूज्ड उदय कृष्ण की मौत क्या हत्या थी या आत्महत्या, इस सवाल का जवाब हमें 10वें दिन हम लोगों को मिल जाएगा। आप जैसे कि एक जर्नलिस्ट हैं, जब हमें पता चला कि ये वेदिका की दोस्त हैं और महेश की प्रेमिका हैं, तो काम आसान हो गया। मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने वेदिका के खून के पहले की सारी घटनाओं को फिर से रिक्रिएट किया। इनका घर से भागने का प्लान हम लोगों ने किया था। बिना कुछ पता चले कैंटीन वाला मनी भी हमारे साथ था। सर क्या कह रहे हैं आप? हमारा इन्वेस्टिगेशन हमें ले गया एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर की तरफ। जीवन सर, मेरा प्रोड्यूसर, मेरी फिल्म तो गई। लगता तो ऐसे ही है। एक साधारण से पुलिस ऑफिसर के पास कैप्टन राजू के साथ मिलकर पिक्चर बनाने का पैसा कहां से आया? ये कहेगा मुनार वाली जमीन हमने बेच दी थी, जबकि मुनार वाली जमीन इसकी थी ही नहीं। जबकि केरला के बहुत सारे बैंकों में इसके लाखों रुपए जमा पड़े हैं। ये पैसा आया कहां से, इसका सोर्स क्या है, उसका वेदिका मर्डर केस से क्या ताल्लुक है, इस बारे में ये खुद बताएगा। जल्दी बताओ, लोग इंतजार कर रहे हैं। सच सच बोलना, ये कल के जैसा नहीं है। कैंपस में बहुत सारे छात्र हैं, पता नहीं कोई क्या कर दे। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सब इसके लिए किया। मिस्टर थेकन, आपको कोऑपरेट करना होगा, हर तरफ छात्र हैं। चलो तुम बताओ। पुलिस ऑफिसर थेकन एक गरीब किसान का बेटा था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नाम कमाया, कृष्णदास का राइट हैंड बन गया था, और कृष्णदास सर ने थेकन को पढ़ाया लिखाया और उसे आईपीएस ऑफिसर बनाया। कृष्णदास सर ने 12 साल पहले राजनीतिक हत्याकांड में कृष्णदास सर मारे गए, क्या थेकन भी उसके पीछे था? सच बोलना। ठीक है रहने दो। पार्टी जिला प्रेसिडेंट शिवानंद की बेटी वेदिका से आपकी दुश्मनी कैसे हो गई? बोलो। करीब 5 महीने पहले यानी कि अक्टूबर 27 के दिन कॉलेज के एक फंक्शन में उसमें भाग लेने के लिए मिनिस्टर सीता लक्ष्मी यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। फंक्शन के बारे में बात करने के लिए वेदिका और उसकी सहेली 2 बार गेस्ट हाउस में गई थी, मिनिस्टर वहां पर नहीं थी। मारे गए कृष्णदास की बीवी सीता लक्ष्मी से जो नाजायज रिश्ता था, उसके चलते थेकन ने कृष्णदास को बड़ी चालाकी से मार दिया और इल्जाम पॉलिटिकल पार्टीज पर पड़ा। उसके बाद कृष्णदास की बीवी इलेक्शन में खड़ी हुई और वो जीत गई। सीता लक्ष्मी के बेनामी ट्रांजैक्शन से थेकन और उसके आदमी तरक्की करने लगे।
वेदिका, मैं बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मिस्टर सीता लक्ष्मी कहाँ है। रियली? मैं आश्रम गेस्ट हाउस के पास वेट कर रही हूँ, तू अकेले ही आना। ओके ओके, मैं आती हूँ। तुम अंदर जाकर मिनिस्टर से ठीक ऐसे ही पूछना। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। सर, सीता लक्ष्मी मैम से मिलना था। सीता लक्ष्मी मैडम? वो यहाँ पर नहीं है। आपको? मैं वेदिका, पार्टी अध्यक्ष शिवानंद की बेटी। मैम ने कहा था वो हमारे कॉलेज के फंक्शन में आएंगी, पर सुबह से उनका फोन बंद है। मुझे पता चला कि मैम यहीं हैं। यहाँ? किसने कहा तुमसे? मेरी एक फ्रेंड ने, वो यहीं पास में रहती है। ये एसी भी सका गेस्ट हाउस है। मिनिस्टर के बारे में जानना है तो आप उनके पीओ को कॉन्टेक्ट कीजिए। मुझे नहीं पता था। मैं बता रहा हूँ ना, ट्राई कीजिए। तू कहाँ चली गई थी? जल्दी जल्दी चल यहाँ से। तू पहले ये बता, मैं तुझे सब बताती हूँ, तू चल तो यहाँ से। क्या है? सर, पार्टी प्रेसिडेंट शिवानंद की बेटी वेदिका यहाँ पर आई थी। मैडम के बारे में पूछा, मैंने कहा कि एसीपी सर का गेस्ट हाउस है और उसे भेज दिया, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। वो अकेली थी क्या? हाँ, अकेली थी। ठीक है, तुम चलो। जी। अकेली नहीं थी। तुम मुझसे 8 साल छोटे हो। पार्टी के लिए शहीद हुए लीडर कृष्णदास की बीवी हूं मैं। इस रिश्ते के बारे में दुनिया जान गई तो? नहीं, मेरा विश्वास करो, ये रामचंद्रन भरोसे लायक है मुझसे ज्यादा। अगर धोखा दिया तो उस पर चलने वाली सबसे पहली गोली मेरी, सिर्फ मेरी होगी। मुझे वो वीडियो क्लिप्स चाहिए। हमारे बारे में जानने के बाद उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। अक्टूबर 27 की शाम मिनिस्टर सीता लक्ष्मी कल्चरल फेस्टिवल में भाग लेने के लिए मदर्स कॉलेज पहुंची। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लिप रीडिंग एक्सपर्ट की मदद से हमने मिनिस्टर के शब्दों को चेक किया। वेदिका, तुम मुझसे मिलने के लिए एसीपी ठेकिन के गेस्ट हाउस आई थी ना? तुम्हारे साथ कौन था? वेदिका, वहां तुमने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है? समझ गई? फिर उन्होंने वेदिका का पीछा करना शुरू किया। उन्हीं दिनों में वेदिका और महेश की प्रेमिका मिली। एसीपी के गेस्ट हाउस जाते वक्त मेरे साथ कौन था, यही सवाल है। एसीपी ने 3-4 बार फोन पे धमकी दी। सच बता, तूने वहाँ क्या देखा? नहीं रमा, इसे डिलीट कर दे, हमें ये नहीं चाहिए। अरे, तुम्हें इस वीडियो की कीमत नहीं पता। ये सिर्फ स्कैंडल नहीं है, ये कृष्णदास मर्डर मिस्ट्री को भी सुलझा सकता है। फिलहाल हम इसे छुपा के रखते हैं। एज अ जर्नलिस्ट, ये मेरी जिंदगी को बदल सकती है। तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उस दिन वेदिका बहुत परेशान थी, उसने उदय कृष्ण को सब कुछ फोन पर बताने के लिए उसे फोन किया होगा। मनी ने ये बात रामचंद्रन को बताई होगी। उसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने के चार्ज में पुलिस ने उदय कृष्ण को कस्टडी में ले लिया होगा। ठीक उसी समय एसीपी रामचंद्रन के निर्देशानुसार पहुंच गए। गाड़ी से बाहर आइए प्लीज। कुछ दिनों से तुमसे अकेले मिलने की कोशिश कर रहा था, पर तुम मिली नहीं। अब चले।
उस दिन तुम्हारे साथ कौन आई थी? तो तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड कौन थी जरा बताओ? मैं अकेली आई थी। रामचंद्रन, लगता है तुम्हें इसे पूछना पड़ेगा अपने अंदाज में। क्या हुआ? वो हाथ पांव नहीं हिल रहे। पहले मरी नहीं थी लेकिन अब मर गई। कोई सबूत मत छोड़ना। बॉडी को अच्छी तरह से धो दो। फिंगरप्रिंट्स नहीं होने चाहिए। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए। यह सबक होगा इसकी सहेली को। बहुत ज्यादा अकड़ आ गई थी उसमें। बॉडी को जाकर हॉस्टल के पीछे फेंक दो। उससे पहले स्टेशन से उदय कृष्णा को छोड़ देने का ऑर्डर दो। सर। उदय कृष्णा ने वेदिका को मारा है सर। जानते हैं वेदिका को किसने मारा था? नाइट वॉचमैन ने बताया था कि वेदिका को आप अपनी गाड़ी में ले गए थे। गवाहों का खत्म कर दो। बीच रोड का वॉचमैन हिट एंड रन केस में मारा गया। आज का ब्रेकिंग न्यूज वही होगा। अगले दिन ही वॉचमैन मर गया। व्हीकल हिट एंड रन। उसके बाद सारे एविडेंस उदय कृष्णन के खिलाफ हो गए। कंसर को केस मिला सर। कमिश्नर ऑफिस में आपको बुलाया है। ठीक है। वेदिका को कैसे मारा तुमने? वेदिका को मैंने नहीं मारा। तुमने ही मारा उसे। स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। नहीं, मैंने नहीं, आपने किया था। और मैं ये सच सारी दुनिया को बता दूंगा। तो अब मरने वाला है, दुनिया को सच कैसे बताएगा? अगले आधे घंटे में उदय कृष्णा की आत्महत्या की खबर मुझे मिल जानी चाहिए। एंड डेथ शुड बी नेचुरल। Thank you.
जब कानून के रक्षक पुलिस खुद गैर कानूनी काम करते हैं तब समाज और पुलिस दोनों की जरूरत नहीं होती।
हमें सबसे मिलना है अपने, हमें हमारे सबसे मिलवाओ। साइलेंस, हमें एडवर्ड लिविंगस्टन से मिलना है। मंत्री सीता लक्ष्मी गिरफ्तार। राज्य मंत्री सीता लक्ष्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, ये है एडवर्ड लिविंगस्टन। हाँ, मैं हूँ एडवर्ड लिविंगस्टन, प्रोफेसर इन इंग्लिश। कोई भाई बहन नहीं है, अकेला हूँ मैं। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, नोबडी। इसीलिए यहाँ पर कोई मुझे जानता नहीं है, नोबडी। ट्रावणकोर महाराजा कॉलेज में ट्रांसफर लेकर आया था। पिछले 3 महीनों से इनकी कस्टडी में हूँ मैं। बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। इन अनलॉफुल कस्टडी। नहीं, वो व्हाट क्राइम डिड आई कमिट? टेल मी प्लीज। पुलिस हो या खुद भगवान हो तुम, इसका जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा, समझे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा मैं, लेकिन इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा तुम्हें, कसम खाता हूँ मैं। एडवर्ड प्लीज, एक मिनट। तो फिर हमारा एडी वो कौन था? वो एडी आपके प्रोफेसर नहीं थे। He is a police officer, a special investigating officer from the Central Force, a daring, a dynamic police officer of IPS stature. Anto Antony, IPS.